हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल। हमारे आईपीओ सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अनुपम रसायन इंडिया के आने वाले आईपीओ के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन और हमारे वीडियोज को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बात करते हैं अनुपम रसायन के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, प्रोफाइल क्या है, इनका बिजनेस कहाँ पर है, किस सेक्टर में है। तो ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, 1984 में बनी हुई। द कंपनी हैज टू डिस्टिंक्ट बिजनेस वर्टिकल्स। फर्स्ट इज लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल, जिसमें एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर और फार्मास्यूटिकल जैसे प्रोडक्ट शामिल है। और सेकेंड वन इज अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पर पिगमेंट और डाई इस तरह के प्रोडक्ट शामिल है। तो इन दो वर्टिकल्स में ये काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इनके पास फिलहाल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 4 प्लांट इनके सचिन में है और बाकी 2 झागड़िया नाम की जगह पर है। और इनके पास सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनके क्लाइंट डिटेल्स देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग और मल्टीनेशनल क्लाइंट्स इनके लिस्ट में शामिल है, जैसे सिंजेंटा एशिया पैसिफिक कंपनी, ये इनकी क्लाइंट है। साथ ही सुमितोमो केमिकल्स, यूपीएल, ऐसे जाने माने नाम इनके क्लाइंट्स के लिस्ट में शामिल है। और इनका बिजनेस इंडिया के अलावा यूएस, यूरोप, जापान ऐसे देशों में भी फैला हुआ है। एक खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेशलिटी केमिकल में हमने देखा है कि काफी ग्रोथ तो तेजी देखने को मिली है। और खासकर इस कंपनी की बात करें तो 2015 में कंपनी के पास 15 प्रोडक्ट्स थी और 2020 तक इनकी संख्या बढ़कर 41 हो गई है। मतलब कि साफ है कि ये जो सेक्टर है और इनकी जो डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, वो बढ़ रही है और इसी वजह से प्रोडक्ट्स की रेंज भी 15 से बढ़कर 41 हो गई है विद इन 5 ईयर्स। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के लिए। बाकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो इनका डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाकी देशों में भी फैला हुआ है, ये एक अच्छी बात है। इनकी इन हाउस R&D टीम है, तो इससे प्रोडक्ट से जुड़े जो इनोवेशंस हैं वो करने में आसानी होती है। साथ ही डाइवर्सिफाइड और कस्टमाइज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए हैं उनकी लोकेशन काफी अच्छी है, तो जो जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ी चीजें हैं वो आसानी से हो सकती है। और एक प्लस पॉइंट यहाँ ये है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा रहा है, ग्रोइंग कंपनी है। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। तो ये इनके नंबर्स देखें हम, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर अगर नजर डालें तो ये 31 मार्च 2019 को करीब 50 करोड़ रुपए का था, जो 31 मार्च 2020 को 52 करोड़ के आसपास रहा और 31 दिसंबर 2020 की खत्म तिमाही में ये 48 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। बाकी नंबर्स देखिए अगर, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात करें तो FY19 में ये 501 करोड़ के आसपास था, FY20 में ये 529 करोड़ हुआ। और इस साल के 9 महीने की अगर हम बात करें, इस साल का 9 महीने का अगर हम डेटा देखें यानी Q3 FY21 का, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के जरिए कंपनी ने 539 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं। एबिटा के देखें तो FY19 में ये 92 करोड़ का था, FY20 में 135 करोड़ और Q3 FY21 में 131 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटा मार्जिन को देखिए तो FY19 में इट वाज 18.4%, FY20 में 25.5% और Q3 FY21 में 24.3% के लेवल्स पर है। डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो FY19 में ये 6.6 के लेवल पर था, FY20 में 6.9 के लेवल पर पहुंचा और Q3 FY21 में 6 के लेवल पर है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो FY19 में 10.21% का रिटर्न ऑन इक्विटी था, FY20 में 9.62 और Q3 FY21 में ये 6.78 के लेवल्स पर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है, इतना प्रेशर दिख नहीं रहा है बिजनेस में, किसी खास नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है।
अब बात करते हैं कि कंपनी के बाकी फैक्टर्स क्या है जिन पर नजर बनाए रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले इस आईपीओ में, वो समझ लेते हैं। तो अगर आप देखें कि इस ग्रुप में, इस सेक्टर में बाकी कौन सी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो पीआई इंडस्ट्रीज है, एसआरएफ है, एसटेक लाइफ साइंस है। तो ये कंपनी एक बार जब लिस्ट होगी तो ऐसी कंपनियों से इनका सीधा मुकाबला होने वाला है। अगर इनके वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो एवरेज इंडस्ट्री का जो पीई इस वक्त 42 के आसपास है, और वही 2020 के ईपीएस नंबर्स के बेसिस पर अनुपम रसायन का वैल्यूएशन 92 का पड़ रहा है, जो थोड़ा महंगा लगता है। अब कंपनी तो ग्रो कर रही है, लेकिन ये इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है ये जानना जरूरी है। अगर आप कभी भी आईपीओ में निवेश करते हैं तो ये जरूर देखिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ साथ वो जिस सेक्टर में है उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, उसका इंडस्ट्री आउटलुक क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एफएनएस रिपोर्ट, इंडियाज स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए सीएजीआर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10-11% ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो 5 साल में 10-11% की सीएजीआर ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। इसके पीछे खास वजह है कि स्पेशलिटी केमिकल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, और इसी वजह से जो इंडस्ट्रीज है जो इन केमिकल्स पर डिपेंडेंट है वो उनकी तरफ से जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और इसका फायदा ऐसी कंपनियों को, अनुपम रसायन जैसी कंपनियों को मिल रहा है, और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हो रही है। अब चलिए देख लेते हैं कि जो आईपीओ है उससे जुड़े डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले ये आईपीओ 12 मार्च से खुलने वाला है, 16 मार्च तक खुला रहेगा, बीच में वीकेंड है इसलिए 16 मार्च को ये आईपीओ बंद होगा। बाकी डिटेल्स देखें तो प्राइस बैंड यहाँ पर 553 से 555 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, और इशू का साइज 760 करोड़ रुपए है। कंपनी जो ये इशू से रकम जुटाई जाएगी उसका इस्तेमाल, करीब 564 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इनके ऊपर जो कर्ज है, जो इन्होंने डेट लिया है उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए करेगी। अब आईपीओ में अप्लाई करने का तरीका क्या है, बेहद आसान तरीका है। 5paisa मोबाइल ऐप के जरिए आप 2 मिनट में किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना है, हमारे आइडिया सेक्शन में जाना है जो आपको फ्रंट स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, वहां पर जाइए, और 12 मार्च से ये आईपीओ खुलने वाला है तो आपको अनुपम रसायन आईपीओ की जो कैटेगरी लिस्ट है उसमें दिखने लगेगा आईपीओ। अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। यूपीआई का पूरा प्रोसेस होता है, तो यूपीआई के जरिए आपका ये एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, और 5paisa की तरफ से आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट और सारी डिटेल्स आपको हम टाइम टू टाइम अलर्ट और नोटिफिकेशन के जरिए भेजते रहेंगे। तो फिर अगर आप इंटरेस्टेड है इस आईपीओ में तो 5paisa प्लेटफॉर्म से इसे अप्लाई करें। और जैसे मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट किया था कि हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक 5paisa यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आपको फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े, स्टॉक मार्केट से जुड़े, डेली मार्केट आउटलुक, बजिंग स्टॉक्स, ये सब कुछ इस एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तुम आ सकती हो इधर। शायद मैंने एक बार में ठीक रिकॉर्ड कर लिया। ओह शायद।